बताने जा रहे हैं कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवण की आवश्यकता होती है। तो फिर हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले गमले में लगा हुआ एक चिटियन का पौधा लेंगे। उस पौधे के पत्तियों में हम देखेंगे कि जहाँ पे हरित लवक नहीं हुआ रहता है वहाँ पर हरा हरा सा नहीं रहता है, व्हाइट व्हाइट सा धब्बा रहता है, और जहाँ पे हरित लवक हुआ रहता है वहाँ पे हरा हरा सा रहता है। तो फिर हम इस पौधे को, इस गमले में लगे हुए पौधे को सबसे पहले हम 72 घंटे के लिए अंधेरे में रख देंगे, और उसके बाद में 72 घंटे बाद इस पौधे को हम 3 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद इस पौधे की एक पत्ती को हम तोड़ लेंगे। फल के विलयन में इस पत्ती को पहले उबाल लेंगे। उबालने के बाद में इस पत्ती को हम धुल लेंगे। धुलने के बाद में इसी पत्ती पर हम आयोडीन का विलयन डालेंगे। तो आयोडीन के विलयन डालने के बाद में हम इस पत्ती पर देखेंगे कि जहाँ पे हरित लवक हुआ रहता है वहाँ पर नीला नीला हो जाता है, और जहाँ पर हरित लवक नहीं हुआ रहता है वहाँ पर सफेद ही रह जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण